नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 23 दिन पहले भी लापरवाही थी और आज भी है। कोरोना को बढ़ने का मौका तब भी था और आज भी दिया जा रहा है। इस बीच कोरोना ने मात्र 23 दिन में 434 लोगों की जान ले ली है। 31 मार्च को प्रदेश में 259 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जो 23 अप्रैल को बढ़कर 12,672 हो गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। लगातार 3 दिनों से कोरोना मौत का अर्धशतक लगा रहा है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। 31 मार्च को हालात काफी हद तक नियंत्रण में थे। संक्रमण का मामला एक दिन में 1,000 भी नहीं पहुंचा था। पूरे प्रदेश में मात्र 259 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मौत का आंकड़ा 1,576 था। कोरोना से 31 मार्च तक 1,576 लोगों की जान गई थी, लेकिन 23 अप्रैल को मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,010 हो गया है। एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या भी 23 दिन में 259 से बढ़कर 12,672 हो चली है। 31 मार्च को 50,115 लोगों की जांच हुई थी। 23 अप्रैल को 1,08,147 लोगों की जांच हुई। 31 मार्च को प्रदेश में कुल 2,65,527 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। 23 अप्रैल को ये संख्या 3,78,442 हो गई। 31 मार्च को प्रदेश में कुल 2,62,371 लोग कोरोना को मात दे चुके थे। 23 अप्रैल को 3,12,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। 31 मार्च को प्रदेश में कुल 1,579 एक्टिव मरीज थे। 23 अप्रैल को प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 76,419 हो गई है। 31 मार्च तक बिहार में 1,576 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ये आंकड़ा 23 अप्रैल को बदल गया। 23 अप्रैल तक मरने वालों की संख्या 2,010 पहुंच गई, जिसके बाद ये साफ अंदाजा लगाना सहज हो जाता है कि बिहार में कोरोना महामारी जो है वो किस कदर से लोगों पर अपना प्रभाव डाल रही है। न सिर्फ कोरोना मरीजों के मिलने का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार में लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़े तभी अपने अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर निकलने पर आपके साथ साथ समाज के साथ साथ आपके परिवार को भी खतरा है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।